बोलें सुनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। आज के इस गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हमारे बीच उपस्थित हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज कोटक जी, हमारे साथी तमिल सेल्वन जी, मीर कुटीचा जी, मनमोहन सिंह जी, कुलवंत सिंह जी, रणधीर सिंह जी गिल, सभी मंचासीन महानुभाव और इस संगत में आए हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज के इस पावन दिवस पर मुझे गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन लेने का और आशीर्वाद लेने का मौका मिला। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे गुरुओं ने हमेशा मानवता के लिए लड़ाई की और अपनी जान न्योछावर कर अपना अपने परिवार का बलिदान देते हुए समाज को, देश को, धर्म को, संस्कृति को बचाने का काम हमारे पूजनीय गुरुओं ने किया। और जैसा कि यहां बहुत सही कहा गया कि जब अंधेरा फैला था उस समय प्रकाश की तरह गुरु जी प्रकट हुए और सभी के जीवन का अंधेरा समाप्त करने का काम उन्होंने किया। गुरु नानक देव जी, इनका तो इतिहास ये स्वर्णिम भी है और कभी न भुलाने वाला भी है। इसीलिए आज हम सभी लोग इस संगत में आशीर्वाद पाने के लिए आए हैं और मैं आज के इस मौके पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है गुरु तेग बहादुर नगर, जो पार्टीशन के बाद बसाया गया और बहुत कष्ट लेते हुए जो हमारे सिख, पंजाबी, सिंधी सारे भाई और बहन भारत देश में आए, उनके लिए उस समय ये कॉलोनीज तैयार हुई और अब 70-75 साल के बाद उनकी अवस्था बहुत खराब है। परिवार भी बड़े हुए हैं, कुछ संपन्नता भी आई है, लेकिन इमारतें डायलैपिलेटेड हो गई, कुछ टूट भी गई और वहां पर रीडेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। परसों हमारी चर्चा हुई, मनोज भाई थे, बीच में तमिल सेल्वन जी भी मेरे पास आए थे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी ये जो गुरु तेग बहादुर नगर का रीडेवलपमेंट का काम है इसको हम शुरू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम संपन्न करेंगे, ताकि जो हार्डशिप हमारे सिख समाज ने उस समय भोगी है उसमें से आज बाहर निकलने का एक मौका इस पुनर्विकास के माध्यम से मिला है और निश्चित ही हम लोग उसको गति देंगे। सत श्री अकाल। और साथ साथ चाहे वो जगह का प्रश्न हो, चाहे आनंद मैरिज एक्ट का प्रश्न हो, निश्चित ही हम सब लोग मिलकर उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो इसके ओर ध्यान देंगे। मैं आज के मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ऊर्जा
आप सभी लोगों के बीच आकर मिलती है वो हमारे जीवन में भी अच्छा काम करने के लिए हमको प्रेरित करती है। और आपने जो बात कही वो सही है कि हमारे संगत में जिस प्रकार का अनुशासन होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे संगत में ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है, कोई ऊंच होता है, ना कोई नीच होता है, ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है। अमीर से अमीर आदमी भी सेवा करते हुए दिखाई पड़ता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वही सम्मान मिलता है। यही सीख हमारे गुरुओं ने हमको दी है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसी सीख को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ आकर बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी के साथ हम सब लोग पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे, ये विश्वास आपको दिलाता हूँ। और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।